हैं तेजस्वी यादव जी की हिम्मत कि घोषणा करेंगे कि हम न अपराधी को न शराबी को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। गोपालगंज में कौन उम्मीदवार बनाया था? शराब का अवैध कारोबार करने वाला उम्मीदवार बनता है राजद से? वातावरण बनाने वाले बक्से नहीं जाएंगे। उस जिले के अंदर पहले भी इस तरह की घटना घटित हुआ था, उसके बाद जब कार्रवाई हुई तो बहुत दिनों तक शांत रहा। तेजस्वी यादव जी, जब विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष होकर के ये प्रश्न उठाता था और आप उसी जिले में दौरा कर रहे थे, देखने तक नहीं गए थे, इसके पीछे कहीं ना कहीं छुपे हैं, राजद से जुड़े हैं, ऐसे मानसिकता के लोग बचेंगे नहीं। आज भी शराब के अवैध धंधे में कौन लोग लगे हैं? शराब बनाने वाले लोगों को उम्मीदवार कौन बनाता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। देखिए, बिहार के दो जगहों पर सारण और सिवान में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई और देखिए अब इसको लेकर के जो वार और पलटवार का जो दौर है वह जारी है। ऐसे में कल जब हमने रत्नेश सदा जो मद निषेध के मंत्री उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से जो मौत हुई है उन सभी लोगों के लिए हमें चिंता है। साथ ही साथ SIT टीम की गठन भी कर दी गई है और जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन देखिए, अब बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा अभी दिल्ली से पटना पहुँचे हैं। पटना पहुँचते ही बड़ा बयान दे दिया है, साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके शराब बंदी है और ऐसे में शराब का जो बड़ा बड़ा खेप बरामद हो रहा है तो इसके पीछे राष्ट्रीय जनता दल का हाथ है। क्या कुछ कर रहे हैं बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा, सुनाते हैं उनके पूरे बयान को। सरकार पूरी तरह से गंभीरता से ली है और इस तरह के वातावरण बनाने वाले बक्से नहीं जाएंगे। उस जिले के अंदर पहले भी इस तरह की घटना घटित हुआ था, उसके बाद जब कार्रवाई हुई तो बहुत दिनों तक शांत रहा और जो लोग इसके पीछे हैं उसके बारे में भी सरकार तहकीकात कर रही है, उसके चेहरे को भी उजागर किया जाएगा और बिहार के गरीबों के साथ, उसके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। तेजस्वी यादव जी, जब विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष होकर के ये प्रश्न उठाता था और आप उसी जिले में दौरा कर रहे थे, देखने तक नहीं गए थे, उस समय आवाज़ उठाने में क्यों दर्द होती थी? विजय सिन्हा उस समय भी इसका निंदा किया था, इसका प्रतिवाद किया था, आज भी करता है और ऐसे अपराधी जो इसके पीछे कहीं ना कहीं छुपे हैं, राजद से जुड़े हैं, ऐसे मानसिकता के लोग बचेंगे नहीं। आज भी शराब के अवैध धंधे में कौन लोग लगे हैं? शराब बनाने वाले लोगों को उम्मीदवार कौन बनाता है? हैं तेजस्वी यादव जी की हिम्मत कि घोषणा करेंगे कि हम न अपराधी को न शराबी को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। गोपालगंज में कौन उम्मीदवार बनाया था? शराब का अवैध कारोबार करने वाला उम्मीदवार बनता है राजद से और बाहर में ढोल बजाते हैं। ये दोहरा चरित्र, दोहरा भाषा, दोहरा खेल बंद करें। पिछली दफा जब घटना घटी थी मसरक में आप गए हुए थे, उस समय विपक्ष में थे, आपने कहा था शराबबंदी पूरी तरह फेल है, अभी क्या कहेंगे ये बताइए। मैं तो कह रहा हूँ कि शराबबंदी पूरी तरह से बिहार में लागू है और सरकार और सबकी सहमति से लागू हुई है, तो जिम्मेदारी बनती है कि इस शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने के लिए सब सहयोग करे और ऐसे अपराधी को बचाने का खेल बंद करे। अरे सत्ता संरक्षित है तो बताए ना, मैं तो उस समय बताया था कि राजद के लोगों से जुड़ा हुआ कई प्रमाण मिला था, है अभी भी पूरी तहकीकात होगी। हमने तो पूरा उस समय विरोध किया था गोपालगंज में, आप एक शराब बनाने वाला माफिया को आपने उम्मीदवार बना दिया था, वह बॉर्डर क्षेत्र है सिवान, छपरा, गोपालगंज, ऐसे जगह पर सबसे ज़्यादा इस तरह की घटना घटित हुई थी।
मुजफ्फरपुर इस तरह के जगह पर ये खुल करके, क्योंकि शराबबंदी सबकी सहमति से हुई है, राजद के लोग भी समर्थन किए थे और भारतीय जनता पार्टी हम लोग भी थे, तो जब सबकी सहमति से पूर्ण शराबबंदी बिहार में हुई है तो सबकी जिम्मेवारी है कि ऐसे मानसिकता के अपराधियों के ऊपर दबिश बढ़े, संरक्षण का खेल नहीं हो और राजनीति न हो। ये शराबबंदी में जो माफिया इस तरह के खेल खेल रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। अब चलिए, मालिक जनता है और जनता निर्णय करेगी। उम्मीदवार तो बहुत सारे उतरते रहते हैं। बिहार में 4 सीटों पर जो है आप लोगों का क्या तैयारी है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी मैदान में है, त्रिकोणीय मुकाबले की बात। हर बार एक नई पार्टी आती है, चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन पूरी मजबूती से फिर चुनाव लड़ेगी और सभी सीट को NDA गठबंधन जीतेगी। आज फिल्म नीति को लेकर सर, आज फिल्म कॉन्क्लेव है, आयोजन किया गया है, पहली बार सर आपने किया है कॉन्क्लेव का आयोजन बिहार के अंदर। बिहार के छवि को जिस तरह से धूमिल किया गया है, उस छवि को बदलने के लिए, और बिहार में सिर्फ नकारात्मक वातावरण नहीं, सकारात्मक वातावरण है। बिहार के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक विरासत को दुनिया को बताने के लिए, नए और बाहर के लोग को ला करके यहाँ के नौजवानों को रोजगार का भी अवसर देने के लिए यह कार्यक्रम हम लोग फिल्म नीति जो लाए हैं। आज इस फिल्म से जुड़े हुए हमारे प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, इन्वेस्टर हैं और यहाँ शूटिंग करने वाले की जमात को पूरी तरह से आज हम उन लोगों के साथ बैठेंगे, चिंतन करेंगे। बिहार नकारात्मक, अराजकता, जंगल राज के चक्कर में नहीं फंसेगा, विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ाएगा। तो आप सुन रहे थे बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा के पूरे बयान को। साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में बड़े बड़े जो शराब के खेप बरामद होते हैं उसके पीछे राष्ट्रीय जनता दल का हाथ होता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार विधानसभा हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, वो दोनों सीटों पर जो है टिकट जो है वह शराब व्यापारियों को जो है राष्ट्रीय जनता दल टिकट देती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहे। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।